कैसे हो आप सब लोग। और आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो है चूड़े के टॉपिक पे। जैसे कि जो नॉर्मली हमारा डेली वेयर का चूड़ा है या फिर बूर का चूड़ा जो बोला जाता है, बूर का दांत का जो चूड़ा आता था, उस टॉपिक पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। और मैं अपने मतलब कलेक्शन भी दिखा दूंगी आपको, जो मेरे पास बूर का कलेक्शन है वो भी दिखा दूंगी। और साथ साथ में ये भी बता दूंगी जो हमेशा ट्रेंड में रहने वाला है, किस टाइप का रहने वाला है, वो भी आपको बता दूंगी। ओके सो लेट्स सी। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर ही आता है हमारा ये चूड़ा, ये बूर का चूड़ा है हमारा। और बूर के चूड़े की आप लोगों को एक खासियत बता दूं कि जैसे कि हमारे राजपूत में है, ये अधिकतर बूर का चूड़ा पहना जाता है। और वैसे तो आजकल सभी पहनने लग गए हैं, सबको पसंद आते हैं और सब लोग शौक से भी इसे बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो ये है सात बिलिया, यानी कि सात चूड़ी वाला है, चौड़ी चीर का है और एकदम प्लेन में है। देख सकते हो आप लोग एकदम प्लेन चीर में है ये। इसको हम लोग पहनेंगे, ये बूर में है, पूरा बूर कट में है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा लुक आता है इसका। जैसे कि हमने ये चूड़ा पहना प्लेन, फिर इसके आगे हम लोग लगाएंगे जैसे कि एक एक कोई भी डिज़ाइन में या लाख में या और भी कोई डिज़ाइन में आपके पास जिस तरह का हो उस तरह का आप वेयर कर सकते हैं। इसके आगे आपको जोड़ा पहनने होंगे, जोड़ा आप कोई भी कलर के ले सकते हो। वैसे अधिकतर तो रेड रानी ही पहनते हैं, फिर आप जैसे पोशाक के अकॉर्डिंग कोई भी कलर पहनोगे। तो ये देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, ये ऐसा लगेगा पहनने के बाद। और ये सेवन कट वाला है, जैसे कि नाइन कट वाला भी आता है, फाइव कट वाला भी आता है, उसी हिसाब से ये सेवन कट वाला है। फिर इसके बाद मेरे पास नाइन कट वाला भी है, मैं आपको नाइन कट में भी दिखाती हूँ। आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि मतलब जैसे कि हमारे वीडियो देखने वाले हैं तो अधिकतर मतलब लड़कियाँ बहुत कम हैं और जेंट्स लोग ज़्यादा देखते हैं, तो सीधी सी बात है सब लोग बोलेंगे ये चीज़ हमारे किस काम की। लेकिन बहुत काम की चीज़ है, जैसे कि कोई मैरिड है या जिसकी होने वाली है या कोई अभी अभी जिसकी शादी हुई है, तो वो लोग कैसे अपनी वाइफ के लिए खरीदे किस टाइप का, तो उन लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा और उनके लिए भी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ढाल में है, पूरा ढालू चूड़ा है, जैसे कि ये सबसे लास्ट वाला बड़ा है, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, ऐसे करके मतलब एक से छोटा एक और ऐसे ही सारे होंगे, सब एक से छोटे एक होते हैं। और ये इनका सबका साइज अलग अलग होता है, किसी का सवा दो का, ढाई का, इस तरह से होता है। तो और मैं आपको बता देती हूँ आगे। सो आप लोग देख सकते हैं ये भी है ढलका ही चूड़ा है और ये भी बूर में ही है। ये एकदम प्लेन है, देख सकते हैं आप लोग एकदम प्लेन है। और इसके बीच के अंदर मैंने ये गोल्डन कलर का कड़ा ऐड किया है और आगे जोड़े पहने हैं दो। और ये नाइन चीर वाला है, जो नौ बिलिया वाला बोलते हैं ना वो है, और पूरा ढालू चूड़ा है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है पहनने के बाद में, जैसे कि हम लोग पोशाक वोशाक पे पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। आप इनमें और भी अच्छी तरह के चूड़े मतलब और भी फैंसी कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा लुक आएगा। वैसे अभी भी कुछ कम नहीं आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब बारी आती है ये वाले बूर के चूड़े की। इसमें देख सकते हो आप, इसमें डिज़ाइन भी बनी हुई है हल्की हल्की सी, और इसमें गोल्डन कलर का जो है वो बीच में तार दिया हुआ है। और मैंने इसे पहना है ये लटकन वाली चूड़ी के आजू बाजू में जोड़ा लगा के, इससे इसका बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। तो इसका कलर भी मतलब थोड़ा थोड़ा मस्टर्ड टाइप का है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी बूर में ही है, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। इसके अंदर मेरे पास वाइट कलर में भी है, ये रहा इसका वाइट,
ये भी वाइट नहीं है, सेम इसी में का है। और ये अगर ऐसा हो तो मैं आपको पहन के भी बता दूंगी। बाकी ये इन दोनों में थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये ऑफ वाइट है और ये थोड़ा मस्टर्ड टाइप का है, जो चीकू कलर जो बोलते हैं, आई डोंट नो कौन सा कलर बोलते हैं वो है। सो अगर टाइम रहा तो मैं ये भी ट्राई करके आप लोगों को बता दूंगी। और इसके बाद में बारी आती है हमारे बूर्क के कलेक्शन में ये वाले चूड़े की, जो कि बहुत प्यारा है और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। बूर्क के चूड़ों की एक खासियत होती है कि मतलब इनकी कभी भी फैशन जाती नहीं है और आप हमेशा पहन सकते हो और डेली वेयर में भी पहन सकते हो, और शादी फंक्शन हो, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी नॉर्मल फंक्शन हो आप उसमें भी पहन सकते हो, तो ये अच्छा ही लगेगा। मतलब हम लोग हमारी पोशाक के साथ में अगर कोई फैंसी चूड़ा या ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं पहनते हैं, बस यही पहन लेते हैं ना, तो भी मतलब कहर ढहोगे ये देख लो, बहुत अच्छा लगता है ये भी पहनने से। और इसके ऊपर आपको दिख रही होगी हल्की हल्की सी लाइनिंग, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है मतलब ज़िगज़ैग टाइप की वो है, दिख रही है ना। अब इसे मैं ट्राई करके बताती हूँ। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो इसलिए, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है, व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चूड़े के अंदर मैं ये बंगड़ी ऐड कर रही हूँ, जो कि इसमें मल्टी कलर है, तो ये कोई भी पोशाक वगैरह हम लोग कुछ भी पहनते हैं उसके साथ में जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, और इसके साथ मैंने ये बंगड़ी बीच में ऐड करके पहनी है। इसको आप चाहो तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे की है क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब पीछे से ज़्यादा मुझे बीच में अच्छी लगती है। और ये आगे मैंने रेड के साथ में गोल्डन पाथ की जो जोड़ा टाइप में है, और फैंसी भी है, देखो अच्छी लग रही है इस टाइप की चूड़ी पहनी आगे, तो ये भी बहुत अच्छी लगेगी, आप लोगों को दिख रहा होगा ये बहुत अच्छे से। आज का जो मेरा कलेक्शन है वो टोटल ही मतलब बूर्क ही है, और इसमें सारे चूड़े जो हैं वो बूर्क के चूड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब और सभी चूड़े वैसे तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन बूर्क वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनकी लगभग रेंज भी मतलब ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मतलब जैसे कि और सादा चूड़े से ज़्यादा इसकी रेंज होती है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग लेने जाएंगे हल्की रेंज में तो भी मतलब 550-600 से स्टार्ट होती है इसकी रेंज, तो 1100 तक 2100 और भी मतलब 21000 तक भी होती है इसकी रेंज, और ज़्यादा ही होती है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि लास्ट 21000 ही है, ज़्यादा भी होती है। मेरे पास जो भी है वो सारे मीडियम रेंज के हैं, मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ठीक ठाक है, जैसे कि काम चलाऊ जो बोला जाता है उस टाइप, मतलब कोई 1100 का है, कोई 550 वाला है, और कोई 2100 वाला है, बस इतनी रेंज के हैं। सो बारी आती है इसकी, ये भी बहुत प्यारा है, इसमें मतलब लाइनिंग सी बनी हुई है, देख सकते हो आप लोग, इस टाइप के और भी है, मतलब बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाती है इसके अंदर, बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएगी आपको। अभी जो कट वाले चूड़े चले हुए हैं बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, और इसको मैं ये वाले गोल्डन कड़े जो हैं इनके साथ वेयर करूँगी।
ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लुक भी आ रहा है। इसको पोशाक के साथ में पहनेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और जैसे कि हम लोग डेली हमारे सूट पहनते हैं उनके साथ में पहनेंगे तो भी अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है ना, दिख तो रहा है ना सबको अच्छे से। और ये भी सेम इसी टाइप का है, मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन अलग है इसकी, देखिए आपको दिख रहा हो आई थिंक, इसकी डिज़ाइन इस टाइप की है और इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है, जो कि बस इस तरह से लाइनिंग लाइनिंग बनी हुई है। फिर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था जो मैंने पहले पहना था उसकी भी डिज़ाइन ऐसी थी। सो मैंने आपको सारे बता दिए। चलो मैं ये भी बता देती हूँ आपको एक बार ट्राई करके, जो मैंने आपको बोला था कि वाइट कलर, मैं आपको बता दूंगी अगर टाइम रहा तो, कुछ इस टाइप से। देखिए ये मैंने वही पहना जो गोल्डन तार वाले बुर के चूड़ा था ना, ये 5 कट में है, इसमें हल्की हल्की डिजाइन भी दिख रही होगी आई थिंक आपको। और ये मैंने गोल्डन कलर का ये पहना, इसके आगे देखिए मीना कारीगरी की हुई है, बहुत सुंदर है। और ये मैंने पिंक कलर के इसके साथ में रोजी पिंक कलर के जोड़ा पहना है, जो कि बहुत अच्छा लुक आ रहा है। सो मैंने आपको सारी डिजाइन्स दिखा दी है, और अब एक मेरा मेन चूड़ा बचा है जो कि है वो भी बूर का ही है और थोड़ा सा कॉस्टली भी है। अब एक चूड़ा और बचा है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैं उसको अब वेयर करके नहीं बताऊंगी आपको, बस ऐसे ही बताने वाली हूँ। क्योंकि ये क्या, जब मैंने लिया था ना तब तो मुझे एकदम फिट आता था और अच्छे से आ जाता था, और अभी क्या मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ इसलिए अभी मुझे थोड़ा सा ये आने वाला नहीं, और मैं ज़्यादा ट्राई करूंगी तो मेरा हाथ छिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी लाल लाल हो गया है यहाँ से, मतलब चूड़े पहन पहन के पूरा लाल लाल हो गया मेरा हाथ। तो ये दिखा देती हूँ आपको, ये भी बहुत प्यारा है और ये भी पूरा बूर का है चूड़ा, देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा लगता है ये मुझे। ये मैं अपनी पोशाक के साथ, मतलब अभी तक मैंने इसे एक भी शादी में या एक भी बार कोई भी फंक्शन में मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, बट ये बहुत प्यारा है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर मतलब पात वाली भी चूड़ियां ऐड की हुई है, ये भी बूर की है ये देखिए। और ये थोड़ा चूड़ा, मतलब ये ऑफ वाइट और मस्टर्ड टाइप का जो कलर है दोनों में मिक्स में है, सो बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छा भी है, मुझे सबसे अच्छा लगता है ये। लेकिन मैंने अभी तक इसे एक भी बार नहीं ट्राई किया है, तो इस बार अगर कोई भी शादी होगी तो मैं सबसे पहले इसी को पहनूंगी, और आप लोगों के साथ में इसका कोई भी क्लिप होगी या फोटो होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। सो कैसा लगे आप सबको आज का मेरा कलेक्शन और मेरे चूड़े कैसे लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग कैसा लगता है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, मतलब सब कर देना जो हो सके ना, वो सब कर देना एक डिसलाइक के अलावा, जो भी कर सकते हो वो सब कर देना। थैंक यू।